ये टॉपिक इतना ज्यादा विस्तृत है कि अगर मैं इस प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद पर, मैंने कई एकेडमी सुना है, हमारे बच्चे भी जाते हैं, प्रधानमंत्री उसके मंत्री परिषद चर्चा ही नहीं होती है। बात करते हैं कि प्रधानमंत्री क्या है, सब जानते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, बहुमत का दल का नेता, बहुमत दल का नेता सब जानते हैं, सांसद बनता है और प्रभावशाली होता है, खत्म। और कौन कौन बने अभी तक प्रधानमंत्री, बस वो। लेकिन वास्तविकता यह है कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद सबसे ज्यादा जटिल विषय है संविधान के, क्योंकि इसमें कोई नहीं है। मंत्री परिषद में आप उनको व्यवहारिक रूप से भी डाल सकते हो, सैद्धांतिक रूप से भी डाल सकते हो। यानी मेरे इसके मामले में तेवर आप समझ रहे हो कि हम कितनी अच्छी चर्चा कर सकते हैं और कितना कुछ आपको समझने को मिल सकता है। कुछ करूं प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री एवं उसकी मंत्री बहुत बहुत अगर उसे तो उजागर क्वेश्चन, मैं आपको सूची बता देता हूं किस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं, जिससे आपको थोड़ा पढ़ने में और इच्छा जागे आपकी। इसमें क्वेश्चन आए हैं जो अभी तक हर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राज्य सेवा, भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति एवं स्थिति का परीक्षण कीजिए। लिखने की जरूरत नहीं, कोई लिखना नहीं, सुनना है। ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न बता रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं स्थिति का परीक्षण कीजिए। एग्जामिन द पावर एंड पोजीशन ऑफ इंडिया प्राइम मिनिस्टर। भारतीय प्रधानमंत्री शक्तियों कार्यों को महत्व प्रकाश डालिए। भारतीय प्रधानमंत्री शक्तियां एवं पद की स्थिति का परीक्षण कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस प्रकार होती है, उसके अधिकारों एवं कार्यों की विवेचना कीजिए। प्रधानमंत्री एक ऐसा पद है, वो वैसा पद बन जाता है जैसा वो पद का अधिकारी उसको बनाना चाहता है। ये यूपीएससी क्वेश्चन मुख्य परीक्षा का। मैं आपको एक ही तरह के प्रधानमंत्री पढ़ा रहा हूं तो प्रधानमंत्री तो निकालूंगा बेटा मैं। प्रधानमंत्री का पद वैसा ही बन जाता है जैसा उस पद का अधिकारी उसे बनाना चाहता है। लॉर्ड ऑक्सफोर्ड के इस कथन की आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टेक शेप अकॉर्डिंग टू द पोस्ट होल्डर। मतलब आप सोचो क्वेश्चन का, ये टॉपिक का क्वेश्चन लेवल हो। भारतीय संघीय परिषद की विशेषता वर्णन करिए। मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तर का संक्षेप विवेचन कीजिए। फिर छोटे में लघु उत्तर में कुछ कुछ ऐसे हैं जो, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात, आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा। ये क्वेश्चन हमारे बनते हैं इस टॉपिक से। अगर मैं आपसे भी कह दूं 100 तो इतना रद्दी लिखोगे आप लोग, इतना लिखोगे कि कुछ पता नहीं होगा, ठीक है ना। और मैं इसको परसों टेस्ट में देने ही वाला हूं, मैंने बोला है प्रधानमंत्री मेरा है। तो हम स्टार्टअप करते हैं, पर बता दिया हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले आप परसों के दिन जब मेरे परीक्षा में बैठेंगे तो मैं फालतू चीज, आपका स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं होगी। आप क्वेश्चन समझ में आ गए ना कैसे आते हैं। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री के संदर्भ में और उसकी मंत्री परिषद, सिंपल क्वेश्चन आता है मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद में क्या अंतर है। ऐसा कौन सा पद है इस मंत्री परिषद का जो सरकार बदलने के बाद भी स्थायी बना रहता है। मतलब इधर आओ, वर्तमान प्रधानमंत्री की सैलरी कितनी है। चलो तुम छोटे, तुम्हारे हिसाब से क्वेश्चन, तुम तो ये तो याद कर लेते ना लपक के। वर्तमान में प्रधानमंत्री, ऊपर देखो ऋषि, नीचे देख के देखो, कुछ बता रहा होगा ढूंढ के, क्या बता रहा, देख रहा है, ढूंढ रहा होगा, तो मुझे पता है। तो ससुर नियत में खोट है, जेब में नोट है, फटाफट प्रधानमंत्री का शॉर्ट कर दे, क्वेश्चन का सॉल्व कर दे। प्रधानमंत्री की वर्तमान में सैलरी कितनी है, वेतन कितना है, कोई आइडिया नहीं, किसी को कोई आइडिया नहीं। फिर ये बच्चा है देखा, सबसे ऐसे आगे बैठाया जा रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है।
मतलब सोचो सैलरी नहीं मालूम, सोचो मैं कहाँ मूड मार रहा हूँ तुम लोगों के संग में, मैं क्या क्या बातें कर रहा हूँ तुम्हें। वर्तमान में प्रधानमंत्री की जो वेतन है वो 1,60,000 है, जिसका 2012 6 फरवरी 2012 से ये चीज को अपनाया गया है। हाँ 1,60,000, 6 फरवरी 2012 को 1,35,000 की घोषणा की गई थी पहले, फिर बढ़ा के 1,60,000 कर दिया, जिसमें उसका बेसिक मंथली निकलता है 50,000। बेसिक कितना है इसका, वहां से सिर्फ 50,000, 1,60,000 कमाता है बेचारा। चलो ठीक है छोड़ो, आप जब मेरा परसों टेस्ट देंगे, सबसे पहले आप सत्यापित परिभाषाएं लिखेंगे। सत्यापित परिभाषाओं का मतलब है मंत्री परिषद वह धुरी है जिसके ओर संपूर्ण राजनीतिक मशीन चक्कर लगाती है, घूमती है। जॉन मैरियट के अनुसार पहली परिभाषा, डॉक्टर भीम अंबेडकर पीछे कहां होने वाले थे, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद अंदर जमा कर दो, प्रधानमंत्री एक आधारशिला तैयार करता है। दूसरी परिभाषा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रधान मंत्री वो सूर्यपिंड है जिसके चारों ओर सभी मंत्री परिषद ग्रह चक्कर लगाते हैं। प्रधानमंत्री हम कहते हैं हमारे यहां संसदीय प्रणाली एक ही है, 10 तो नहीं है। एक व्यक्ति मैल्टो के अनुसार भारत की संसदीय प्रणाली दोहरी है, एक तरफ जहां राष्ट्रपति नाम मात्र का संवैधानिक प्रधान, मतलब नाम मात्र का प्रधान है, एक कार्यपालिका का प्रधान नाम मात्र का प्रधान है, संवैधानिक प्रधान कार्यपालिका का राष्ट्रपति है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है। तो ये दो संसदीय प्रणाली की रूपरेखा, दोहरी संसदीय प्रणाली हमें देखने को मिलती है भारत के संसद में। क्लियर हुआ? मेनजोना, जॉन मेनजोना के अनुसार प्रधानमंत्री नहीं मंत्री परिषद का तिरस्कार, मंत्री का तिरस्कार उसका स्वयं का तिरस्कार ना होके संपूर्ण मंत्री परिषद का तिरस्कार कहलाता है भारतीय संसदीय प्रणाली में। सोच इतने बड़े बड़े परिवार, तो आप जब लिखेंगे मेहनत करने की जरूरत है, समझ में आया? अनुच्छेद 74-75, अनुच्छेद 74 सिफारिश वो लेगा, सहायता लेगा, अनुच्छेद 75 नियुक्ति, ये नहीं लिखोगे, ये वो बात की चीजें। हमें क्वेश्चन डिजाइन करना, मुख्य परीक्षा क्वेश्चन में देने वाला हूं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे परिभाषा। आप नोट कर ली कोई परिभाषा? तुम्हें एक भी पल्ले नहीं पड़ी अभी। सुनने में अच्छा लगा कानो, ये कुछ भारी भारी शब्द हैं। हाँ हाँ वही मैं कह रहा हूं, कुछ भारी शब्द हैं जो अच्छे लग रहे हैं, है ना? तो परिभाषा तो लिखनी पड़ेंगी, फिर मैं इस पर चर्चा करूंगा। समझ में आया नहीं आया? तो पहले परिभाषा नोट कर लो जो आपको लिखनी है, तुझे आगे बैठाना सिद्ध साबित हो गया कि तूने सैलरी बता दी। देखा विश्वास टूटता नहीं है मेरा कभी। चलो लिख लो, पहले परिभाषा नोट कर लो। मंत्री परिषद वह धुरी है, मंत्री परिषद है जिसके चारों ओर, मंत्री परिषद है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक मशीन घूमती है, जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक मशीन घूमती है। जॉन मैरियट, जॉन मैरियट, मंत्री परिषद वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक मशीन चक्कर लगाती है, घूमती है। किसने बोला? जॉन मैरियट। फिर आए अंबेडकर जी, अंबेडकर जो आधारशिला, आधारशिला से याद रखना, अंबेडकर जी
प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मंडल मेहराब की आधारशिला, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल रूपी मेहराब की आधारशिला है। डॉक्टर भीम अंबेडकर, अन्य लिखो पहले परिभाषा, अन्य परिभाषा, कैबिनेट सूर्यपिंड है, कैबिनेट सूर्यपिंड है, कैबिनेट सूर्यपिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं, जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। ग्लैडस्टोन, ठीक है, ग्लैडस्टोन, ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन, रैमजे म्योर, रैम और क्या निशान, जहाज का वर्णन कर दिया, लिख लो पहले फिर लिखना रैमजे म्योर का नाम। मंत्री परिषद राज्य रूपी जहाज का परिचालक यंत्र है, मंत्री परिषद राज्य रूपी जहाज का परिचालक यंत्र है। परिषद क्या है, हाँ, परिचालक यंत्र है, राज्य रूपी जहाज का परिचालक यंत्र है रैमजोर के अनुसार। लावेल, राजनीतिक भवन की आधारशिला है। लावेल, पहले परिभाषा लिखो, मंत्रिमंडल राजनीतिक भवन की आधारशिला है, मंत्रिमंडल राजनीतिक भवन की आधारशिला है। समझ में आ रहा, नहीं आ रहा, बस। लावेल के अनुसार मंत्रिमंडल राजनीतिक भवन की आधारशिला है। आप खुद अपनी अंतर आत्मा से पूछो, आप किसी और से नहीं पूछते, क्योंकि आपको लगता है मैं होशियार दूसरे वाला बेवकूफ, इसलिए मैं कहता हूं आप अपनी अंतर आत्मा से पूछो, क्योंकि वो उसी की तुम इज्जत करते हो, किसी की नहीं करते हो, क्योंकि वो तुम खुद हो। तो अंतर आत्मा से पूछो कि जॉन मेरियट, अंबेडकर जी, ग्लैडस्टोन, रैमजे म्योर, लावेल की अगर हम परिभाषा लिखने के बाद प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में लिखना शुरू करेंगे तो क्या इसका प्रभाव एग्जामिनर जो मुख्य परीक्षा चेक कर रहा है उस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अपने आप से पूछो, मुझसे नहीं लेना, क्यों, तुमसे होशियार तो कोई है ही नहीं, अपने आप से पूछो पड़ेगा नहीं पड़ेगा। और तुम्हारी कॉपी जो सब बहुत सारी कॉपी आई होंगी, हो सकता वो लिखेगा, जो लिखेगा वो नंबर पाएगा, हमें तो अपना बैच देना है, तो अगर आप लिखोगे तो आपकी हो सकता और भी लिखे, जो लिखेगा वो नंबर पाएगा, ठीक है ना। लेकिन हम साधारण करके, हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करके हम क्वेश्चन कितना अच्छा बना सकते हैं, बस ये मेरा कहना है। तो जॉन मेरियट ने क्या बोला था, एक एक शब्द बता दो, ऑटोमेटिक घर पे याद हो जाएगी। जॉन मेरिट ने क्या बोला, राजनीतिक मशीन, जॉन मेरिट का क्या था, राजनीतिक मशीन जो घूमती रहती है, धुरी पे चक्कर लगाती रहती है। अंबेडकर जी ने क्या बोला, आधारशिला, मंत्रिमंडल किसकी आधारशिला है, मेहराब की आधारशिला है। ने क्या बोला, सूर्यपिंड की बात कर दी जिसके चारों ओर अनपिंड चक्कर लगा, अगर ऊंच नीच हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मुख्य तत्व तो पता होना चाहिए क्या बोल के कल्पना करी है। रैमजे म्योर ने क्या बोला, जहाज, राज्य रूपी जहाज का यंत्र है,
मतलब परिचालक यंत्र है। रावेल ने क्या बोला, भवन की, राजनीतिक भवन की शिला। तो आपको ये तीन चार परिभाषाओं में से अगर तीन परिभाषाएं भी लिखते हो तो भी आपका अच्छा, और जो ना एक अलग ही लिखना होगा, जो नॉर्मल अच्छी तैयारी कर रहे हो वो लिखेगा चलेगा, और जो मध्यम है वो एक लिखते और कुछ भी लिखेगा तो वो सामान्य कहलाएगा, उसमें कोई उठ नहीं जाएगा। चलो ठीक है, आराम से पढ़ो। अनुच्छेद 74 कहता है, अब देखो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति का बड़ा झोल है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद से क्या कर सकता है, सलाह मशवरा कर सकता है, ले सकता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? उसमें संविधान में सिंपल सी बात की है अनुच्छेद 74 के अंतर्गत कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा तो अपनी मंत्री परिषद मतलब प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद को लेकर वो सलाह लेगा। लेकिन सच्चाई तो ये है कि राष्ट्रपति उनकी सलाह के मानने के लिए बाध्य है। क्या है? वाद्य है। सलाह मतलब क्या होती है, मानू ना मानू, लेकिन यहां आ गई वाद्यता, जो मंत्री परिषद कहेगी राष्ट्रपति को उसे मानना ही पड़ेगा, ये वाद्यता बताती है, ना कि ऊपर। अभी को लिखना नहीं, पहले सुनो, पहले लिखवा देगा तो जल्द लिखवा दे, पहले सुनो, ये वाद्यता मैंडेटरी बताती है, मानना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब थोड़ा दिमाग पर जोर देना, अनुच्छेद 74 समझ में आई क्या? वाद्यता है, मानना ही पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है। संवैधानिक का मतलब होता है नाम मात्र, संवैधानिक का मतलब है नाम मात्र। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आप नाम मात्र नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा। मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं तुम्हें, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है, नाम मात्र का प्रधान गलत शब्द है, लेकिन मतलब यही है, नाम मात्र का प्रधान। दोहरी तो उन्होंने बोल दिया ना, उन्होंने तो सब चिल्ला चिल्ला के बोला है कि नाम मात्र का प्रधान है, नाम मात्र का, नाम मात्र, नाम मात्र। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान है। दूसरा, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद वास्तविक प्रधान है, ये फर्क है दोनों के अंदर। तो दोहरी, अरे कार्यपालिका को दो लोग चलाते हैं, इसलिए हमारी जो संसदीय प्रणाली है, कार्यपालिका है, वो दोहरी कार्यपालिका है। एक चला रहा है वास्तविक प्रधान और एक चला रहा है संवैधानिक प्रधान। मेरी बात समझ में आया? और हमेशा वास्तविक प्रधान ही संवैधानिक प्रधान पर हावी रहता है, क्योंकि संवैधानिक का मतलब ही होता है नाम मात्र का प्रधान। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? नाम मात्र समझ में आ रहा? लल्ला सत्संग नहीं चल रहा, पीएससी की तैयारी चल रही है, क्वेश्चन पूछूंगा मैं इस मेरी क्लास के बाद, आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हर चीज का ध्यान रखो। जो डेमो के लिए आए हैं उनसे तो जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि वो बेचारे एक दिन तो पिटके जाए, कल आए ना आए, तुम तो हर दिन हो मेरे सामने पूछने के लिए। ये क्लियर हो गया? तो इसका मतलब हमारे वो वाद्य है अनु अब बात आती अनुच्छेद 75। 75 से दो ही अनुच्छेद कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराने। अनुच्छेद 75 कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसकी सलाह पर क्या करेगा, उसके मंत्रिमंडल को भी बनाएगा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, कौन करेगा नियुक्ति? नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति करेगा, लेकिन ये कहता है अनुच्छेद और उसके सलाह पे कर। वास्तविकता तो ये है कि जो संवैधानिक प्रधान है वो लोकसभा के अंदर जो बड़ा बहुमत लेकर पार्टी आएगी, बड़ा बहुमत, बहुमती दल होगा, उसको वादी है कि उसी को प्रधानमंत्री बनाएगा। इस बार चुनाव के समय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना के दिखाता है राष्ट्रपति। भाई अनुच्छेद 75 का मतलब क्या है? वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसकी सलाह पर उसके मंत्रिमंडल का गठन करेगा। लेकिन ये तो सिर्फ संविधान है, लेकिन वो तो जब मैंने कहा ना वो संवैधानिक ही है वो तो आप भाई ये बताओ कि अगर वो नियुक्ति करने का होता शास्त्र तो इस बार वो राहुल गांधी को बैठा के दिखा के दिखाता, या अखिलेश यादव जी को बैठा के दिखाता, या ममता बनर्जी को बना के दिखाता। इसका मतलब बहुमत, बड़ा बहुमत दल का जो नेता होगा वही प्रधानमंत्री की सीट पर रहेगा। यानी अनुच्छेद 75 भले ही उसके लिए है, लेकिन अनुच्छेद 75 भी वाध्यता बताता है, मैंडेटरी उसके हाथ बांध देता है कि जो चुन के आएगा वो। हाँ, अगर कभी किसी दल को बहुमत नहीं मिल पाता है तो बड़े दल को, कोई बड़ा दल है उसको, बड़े दल के लीडर को प्रधानमंत्री बनने का बात कर सकती है, उसकी विवेकीय शक्ति है, विवेकीय शक्ति है तो तोड़ मोड़ करके बन जाता है, ये अलग है। भाई अनुच्छेद 75 तो साफ साफ बोलता है नियुक्ति, तो भाई नियुक्ति क्या है? तुम तो नाम मात्र के प्रधान हो, तो नाम मात्र का मतलब हो गया कि तुम्हें तो बनाना ही पड़ेगा। मेरे पास समझ में आ रही नहीं आ रही? अब बात आती है, अब मेरा एक क्वेश्चन थोड़ा एनालाइज आगे। अनुच्छेद 75 वो भी बोलता है कि ये तो बनाया जा ही रहा है, उसके अलावा जो उसकी मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद का भी प्रधानमंत्री सलाह देगा, उसकी सिफारिश पे वो नियुक्ति करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? मंत्रिपरिषद की। लेकिन भैया वो भी बात देता है, मैं चाहता हूं गृह मंत्री मेरा कौन बने, राष्ट्रपति मना नहीं कर सकता मुझे। मेरे को समझ में आ रहा नहीं आ रहा? मैं कहता हूं शिक्षा मंत्री कौन बने, राष्ट्रपति मुझे मना नहीं कर सकता। ये तो पता है ना, अमित शाह मोदी जी ने तो बनाया सारी चीजें, जो मंत्रिमंडल है तो उस पर तो कोई रोक टोक है ही नहीं। लेकिन का गठन करेगा, लेकिन नहीं सकता या नहीं, सिर्फ बता सकता है, लेकिन वाद्यता तो है ही है। अब मैं दूसरी तरफ शिफ्ट होता हूं, वाद्य राष्ट्रपति तो पप्पेट हो गया यार, ये बनाना है ठीक है, ये बनाना है ठीक है, ये बनाना है ठीक है। अब आती है इधर, क्या प्रधानमंत्री किसी भी सदस्य को मंत्रिमंडल का सदस्य बना सकता है? मत सोचना जो तुम सोच रहे होगे, हाँ बना सकता है, वो सदस्य है या नहीं, लेकिन 6 माह के अंदर उसे है ना सदस्य बनना जरूरी है, नहीं तो वो नहीं बन, ये मत बोलना, मैं वो नहीं पूछ रहा, वो तो जिसे मंत्री चाहे क्या वो नहीं। प्रधानमंत्री सबसे पहले सूची भेजनी होती है, पर चर्चा ज्यादातर उस व्यक्ति को उस मंत्री अनुभव होना चाहिए, थोड़ा शिक्षित, बिल्कुल गंवार नहीं, बने और बने हैं बिल्कुल 8वीं फेरी। ये हमारा संविधान कहता है, ये हमारा संविधान कहता है, संविधान में ये नहीं कहा कि बना दे। संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री का दायित्व है कि जिसे वो बना मंत्री बनाना चाहता, मंत्री पद देना, उसको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, यह दायित्व बताता है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड
नहीं है, और उसमें इलेक्शन कमीशन को भी कोई आपत्ति बाद में नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो कई तो प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली है, लेकिन संविधान में प्रधानमंत्री के भी हाथ बांधे हैं कि वो हर किसी को अपने मंत्रिमंडल में नहीं दे सकता, उसकी भी कंडीशन है। यानी ना क्वेश्चन आता है तो हाँ को क्या मंडल का, देखो तुम परीक्षा बोध जैसी किताबें पढ़ते हो, परीक्षा बोध, ओझा ले आए, लूसेंट ले आए, लक्ष्मीकांत, ये चीज नहीं। तुम्हें वहां क्या मिलेगा? तुम्हें ये मिलता, हमें एनालाइज करके लिखना। मुख्य परीक्षा में बहुत बार ध्यान दे रहा हूं, आपके लिखते नहीं नहीं बना, वो हर किसी को बना सकता है, क्योंकि 57वां संविधान संशोधन 2003 के अनुसार ये बात की गई कि 15 सदस्य नहीं होने चाहिए, 15% से ज्यादा मंत्रिमंडल नहीं बना सकते। एग्जामिनर पूछना क्या चाह रहा है और तुम आंसर क्या देना चाह रहे हो? मैंने बोला ये बच्चों ने लिखा हुआ है, पहले भी मैंने लिया है क्वेश्चन, इसलिए बता रहा हूं। मैंने प्रश्न दिया था कि जो प्रधानमंत्री है, ठीक है, क्या वो अपने मन मर्जी के कितने भी मंत्री परिषदों का, मतलब जिनको चाहे वो, क्या उतने मंत्री परिषदों को, मंत्री सदस्यों को मंत्री बना सकता है? बच्चों ने क्या लिखा? मेरे बच्चों ने जाना जन लिखा, सबने तो हाँ लिख दिया, हाँ हाँ। तो भारी बहुमत का, अरे तो ये तो हर कोई जानता है यार, राहुल गांधी को थोड़ा बना दोगे तुम प्रधानमंत्री? वही वही जानेगा जो बहुमत से जीता है, इसमें तुम क्या खास लिख रहे हो? उन्हें वही लिखा, एक ने थोड़ा अच्छा लिखा जो इंटेलिजेंट सा था, दिखता था, समझता था अपने आप को अंदर आत्मा से। 93 अमेंडमेंट हुआ, 97 अमेंडमेंट 2003 में, समझ में आ रहा है, और उसके 57वां संशोधन के तहत 15% सदस्य की बात हो गई, जितने भी निम्न सदन में हैं हमारे सदस्य उसके 15% से ज्यादा मंत्री नहीं बनाए जा सकते। लिमिटेशन कितनी है? 15% मंत्री ही बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन ये क्या था कि ये 15% 36% का मतलब ही नहीं था, उन क्वेश्चन था कि उन क्या उन 15% में भी जो बनाई गई लिस्ट बनाई गई है, क्या उन 15% में भी जिन जिनको वो मंत्री चाहेगा क्या वो बना सकता है? वो नहीं बना सकता, उसका एक लाइन में आंसर नहीं बना सकता, क्योंकि संविधान कुछ कुछ योग्यताएं उनके लिए बनाकर रखता है। जो मैंने मेरे पास समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट जो है, ओके। अब बात आता है, अब चलो इसी पर चर्चा कर लेते हैं, जो मंत्री परिषद का गठन हो रहा है तो ठीक है, राष्ट्रपति अपने 75 में उसने बोला ऐसा ऐसा। अब जैसे 57वां संशोधन 2003 में निम्न सदन जो भी है उसमें, मैं फैक्ट पे ध्यान नहीं देता एक्चुअली, मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूँ। फैक्ट तो आप रट के भी डाल सकते हो, बच्चा 10वीं क्लास का बच्चा है, तुम्हारे में क्या अंतर है बताओ? 10वीं क्लास का बच्चा भी रटता है, 10th निकालता है, निकालता है 9th, तो 90% 100% भी आते हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे हो रहे, नहीं हो रहे 10वीं में, 11th 12th में, तुम में क्या और उनमें क्या अंतर है? तुम जैसे बैठे हो लल्ला, वो बैठा है लल्ला लल्लू, उन्हें दे दूं मैं, बेटा ये फैक्ट है रट लो, इवन वो तुम्हें ज्यादा अच्छा रट लेगा। तुम्हें तभी आ रहा था, खाना खाया हूं, दो मिनट कमर सीधी कर लो, वो रटता रहेगा। 10th के बच्चे बहुत खतरनाक हो गए, 10th 11th 12th के बहुत, तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ी है ना, मेरिट और टफ लेके जाएगी, पेपर और टफ बनेंगे, अभी निकाल लो अधिकारी बन जाओ। तो जो सोच के बैठे हैं 40 साल 45 साल तक तो है ही ना, महिलाओं की 45 साल तो है ही ना, भूल जाओ। तो फर्क यह है कि तुम वो उतना ही सोचेगा जितना वो पढ़ेगा वही रटेगा, आप उसके अलावा फैक्ट के अलावा भी एनालाइज करोगे, और पीएससी एनालाइज वालों को मानता, नहीं तो 10वीं क्लास योग्यता रख दे, 12वीं क्लास के बाद भी आप कलेक्टर बन सकते हो, हम आपको ट्रेनिंग देंगे जैसा एनडीए में नहीं होता, सीडीएस में क्यों ही रखता? क्योंकि उनका एनालाइज स्किल डेवलप नहीं होता, क्योंकि 18 साल में क्यों दिया है मतदान का अधिकार, वो सोचने की शक्ति रखता है, क्षमता रखता है, उससे 18 साल में वो रटने की क्षमता रखता है। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? 8वीं तो भैया क्या 15 क्लास का जो 10th वाला बच्चा है ना, उसके सामने जाओ, पता है तू तो गधा है, मैं तेरे से होशियार हूँ क्योंकि बड़ा हूँ, वो तुम 10 बातें सुना देगा, सच्चाई है, तुम्हें कान से खून निकल आएगा, बस कर भाई बस। आपका एनालाइज स्किल डेवलप करो, एनालाइज रट्टा नहीं। खैर, तो 15% बोर्ड 2003 57वां संशोधन 2003 में होकर जो निम्न सदन है उस जितनी सदस्य संख्या है उसके कम से कम कितने 15,000 से ज्यादा 15% तक ही मंत्री बना सकते हो,
उस ज्यादा मंत्री नहीं बना सकते हो, लेकिन ये मिजोरम ले लो या छोटे छोटे राज्य है वहां पे 12 सदस्य संख्या रखी, कितनी रखी गई है 12, जो छोटे छोटे जैसे मिजोरम हो गया, छोटे छोटे को 12 रखी गई है हमारी, ठीक है चलो ये हो गया। अब आगे की बात आती है कि भाई मंत्रिमंडल 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 मंत्री परिषद ये है क्या भला, क्या चीज है? अरे ऑनलाइन एक भी ऑनलाइन ऑनलाइन एक भी नहीं दिख रहा मुझे, तो बोलो ना फिर, होते ये नहीं किया वो नहीं किया। यार मैं पहले आपको समझा रहा हूं, जो सिर्फ वही लिखवाऊंगा उसके अलावा कुछ नहीं। देखो मंत्रिमंडल मंत्री ठीक है, पहले हम ये करेंगे, मंत्रिमंडल बड़ा नहीं होता, व्यापक नहीं होता, इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, मंत्री परिषद के अंदर तीन प्रकार के, मैं तो कहता हूं चार प्रकार के मंत्री आते हैं, लेकिन मैं तीन प्रकार के मंत्री मानता हूं। एक होता है मंत्री मंडलीय, मतलब अथवा सबके नाम लिख रहा हूं तो मैं समझ में आ जाए, अथवा कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री, समझ में आ रहा है, अथवा लगाया, मंत्रिमंडलीय भी कह सकते हैं और कैबिनेट मंत्री भी कहते हैं। यह हमारा हो गया पहला। हमारा जो दूसरा आता है वो आता है राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। अब ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये स्वतंत्र प्रभार वाले भी होते हैं, स्वतंत्र प्रभाव वाले भी होते, तीसरा हमारा आता है, देखो एक तो मंत्रिमंडल अथवा कैबिनेट मंत्री हो, दूसरा राज्य मंत्री हो गया, उप मंत्री। अब इन सब से मिलके बनती है हमारी क्या, मंत्री परिषद। किन किन से मिलके बनती है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री और उप मंत्री, समझ में आया। और ये मंत्रिमंडल होता है ये सिर्फ और सिर्फ इस सिर्फ एक, तो व्यापक कौन सा हुआ, मंत्री परिषद हुआ नहीं हो, समझ में आ रहा है। मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल अलग अलग दो चीज हैं। मंत्री परिषद बड़ा होता है, उसमें तीन प्रकार के मंत्री होते हैं, तो तीन कहते होते चार हैं, क्योंकि चार चौथा कौन सा, एक स्वतंत्र प्रभार वाला जिसका स्वतंत्र प्रभार नहीं है। आना चर्चा करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, तुम्हारे मन में जो डाउट है मैं खड़ा हूं। तो स्वतंत्र प्रभार वाला और एक जिसका स्वतंत्र प्रभार नहीं है, तो भाई दो तरह के मंत्री हो गए नहीं हो गए, लेकिन राज्य मंत्री की श्रेणी में ही रखते हैं। ठीक है, एक होता है उपमंत्री। तो सबसे प्रथम क्रम सर्वश्रेष्ठ जो सबसे उच्च होता है वो कौन होता है, कैबिनेट मिनिस्टर, समझ में आया। अब ये कैबिनेट मिनिस्टर होता है, सुनते ना, राष्ट्रपति की मंत्री परिषद की सलाह के बिना कुछ नहीं करता, तो सोचो त्रिपरिषद कितनी बड़ी हो गई, आया ना, एक दो तीन, इन तीनों की सलाह के बिना वो कुछ भी नहीं करता, तो इन्हीं का रूप है, यही प्रधान है, वास्तविक प्रधान यही है तीनों के तीनों। ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर जैसे बड़े बड़े उच्च पद होते हैं जो पूरा शासन व्यवस्था चलाने के लिए नियम बनाते, उस पर साइन करते हैं, होम मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, उड्डयन मंत्री, जो बड़े बड़े मंत्री पद होते हैं ना,
वो सारे सारे किसमें होते हैं? हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स में होते हैं, कैबिनेट मंत्री, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के अंदर होते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? उसके बाद आते राज्य मंत्री। ये जो राज्य मंत्री होते हैं, ये इनकी सहायता के लिए बुलाए जाते हैं। मेरी बात ध्यान रखना, राज्य मंत्री इनकी सहायता के लिए बनाए जाते हैं। ये प्रत्येक राज्य के अलग अलग विभाग से बनाए जाते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? किसी को स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है, किसी को नहीं दिया जाता। कोई कोई दो दो विभाग भी देखते हैं। राज्य मंत्री किसकी सहायता के लिए बनाए जा रहे हैं? कैबिनेट मंत्री के लिए, जो स्वतंत्र प्रभार वाला भी होता है, स्वतंत्र प्रभार भी नहीं होता। क्लियर है? उसके बाद आते हैं उपमंत्री। जो ये उपमंत्री हैं, ये राज्य मंत्री की सेवा में लगे होते हैं। जो उपमंत्री हैं वो काय में होते हैं? राज्य मंत्री की सेवा में होते हैं। मेरे पास समझ में आया? ये उनको सहायक होते हैं। ये कई हो सकते हैं। श्रेणी समझ में आ रही है? कैबिनेट मिनिस्टर को कौन सपोर्ट कर रहा है? राज्य मंत्री। और राज्य मंत्री सपोर्ट कौन कर रहा है? उपमंत्री। ये जुड़े हुए हैं। क्लियर हुआ? अभी भी खत्म नहीं हुई श्रेणी, अभी भी श्रेणी और बड़ी है। पहले सुनो, ये क्लियर हुआ? ठीक है, अब देखो, प्रधानमंत्री जब बैठक लेता है तो वो सिर्फ अपने मंत्रिमंडल से लेता है, कैबिनेट मिनिस्टर से, ना वो उपमंत्री से लेता है, ना ही वो राज्य मंत्री से लेता है। लेकिन अगर वो किसी विभाग के बारे में ज्यादा विस्तृत रूप से चर्चा करना चाहता है तो वो इनमें से किसी को भी बुलाकर उससे मंत्रणा कर सकता है। कौन? प्रधानमंत्री, क्योंकि वो मंत्रियों का प्रधान है, राष्ट्रपति नहीं। राष्ट्रपति को नहीं दी गई कि वो आके किसी में घुस के बुला ले, एक को बुला ले, दो को बुला ले। प्रोटोकॉल के अनुसार उसे सारी जानकारी प्रधानमंत्री देता है, दायित्व होता है। वो नहीं कोई मिनिस्टर पहुंच गया, राष्ट्रपति को बुलाओ, मेरे यहां पे विभाग कुछ और उल्टा कल हो रहा है, वन टू वन टॉक करना है। ऐसा नहीं हो सकता। वो अपने चक्कर में बता के प्रधान को ही बताता, प्रधानमंत्री जाके मिलता है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब बात आती है, ये जो उप इनकी सहायता के लिए सचिव होता है। सचिव हमेशा, ये यूपीएससी क्वेश्चन है, सचिव जो बनाया जाता है वो उपमंत्री के नीचे होता है। बच्चे सोचते सचिव होता है, भाई देखो हर मंत्रालय है, ये तो मंत्रालय चले आ रहे हैं ना, अलग अलग, कृषि मंत्रालय अलग हो गया, अलग अलग मंत्रालय। तो उपमंत्री की भी सहायता करने के लिए किसे बनाया जाता है? सचिव, संसदीय सचिव होते हैं। अलग अलग विभाग का अलग अलग सेक्रेटरी होता है। सेक्रेटरी मतलब आईएएस आईपीएस वो बनते नहीं, बनते सचिव होते हैं। अभी पीएससी के सचिव हैं या नहीं है, देखो डालो एपीएस, तो उसमें लिखा है आईएएस डिप्टी कंट्रोलर, कंट्रोलर दिखेंगे। तो क्या होते हैं? उपमंत्री के नीचे। संसदीय सचिव आ गए। अब इन संसदीय सचिव के साथ साथ हर विभाग का अलग अलग और सचिव आते हैं, और सहायक सचिव भी आ जाते हैं। आ जाते हैं, मेरे पास समझ में आ रहा है? और सहायक सचिव के साथ साथ लिपिक का भी वर्णन किया गया हमारे संविधान के अंदर। लिपिक भी आ जाते पहले, लिपिक भी आ जाते हैं। अब ये है क्रम हमारे मंत्री पर, सोचो मंत्रिपरिषद कितनी बड़ी व्यापक है। अब समझ में आया डिफरेंस मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद का, कितनी बड़ी व्यापक है। मंत्री परिषद जो बनाई गई, कैबिनेट मंत्रिमंडलीय मंत्री, मंडलीय मंत्री, राज्य मंत्री, दो प्रकार के आप जब बनाओगे तो ऐसे बनाओगे, स्वतंत्र प्रभार और ये स्वतंत्र प्रभार नहीं है, सिर्फ राज्य मंत्री है। और उपमंत्री, उपमंत्री के नीचे सचिव, संसदीय सचिव, कई सहायक सचिव और कई लिपिक उनके अंदर में होते हैं। ठीक है, अब इस मंत्री परिषद का, जो ये मंत्री परिषद है, इसका कार्यकाल क्या होता है? सीधी सी बात है, लोकसभा का कार्यकाल ही इन मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है। लोकसभा भंग तो मंत्री परिषद भी भंग। समझ में आ रहा है भाई? तो लोकसभा मतलब पांच साल के चुनाव प्रधानमंत्री करता ही नहीं करता, प्रधानमंत्री इसका प्रधान है। तो जो प्रधान है, तो प्रधानमंत्री है, जब तक तो चल रही है। प्रधानमंत्री भंग, खत्म हुई लोकसभा, तो ये भी भंग हो जाती है पूरी की पूरी। समझ में आ रहा है? यानी इनका काल को निश्चित नहीं है। वैसे तो 5 साल कह सकते हो, लेकिन 13 दिन में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई, तो जो मंत्री परिषद बनाने से पहले ही उजड़ गई होगी, नहीं होगी, उसकी बनाने से पहले उजड़ गई होगी। तो इनका कार्यकाल भी कोई निश्चित नहीं, जब तक प्रधानमंत्री है तब तक ये मजे से कार्य करते हैं। लेकिन
इसमें भी एक और चीज छुपी हुई है। छुपी हुई यह है कि मुझे इसका कार्यकाल 5 वर्ष, जब तक प्रधानमंत्री है तब तक यह है, इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष, जब तक प्रधानमंत्री है तब तक है, इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष, जब तक प्रधानमंत्री है तब तक है, लेकिन उसके जो नीचे की लॉबी है वो स्थाई लॉबी है। ध्यान रखना, लिपिक एग्जाम देके पहुंचते हैं वहां पर, ऐसे नहीं पहुंचते, उनको कोई लेना देना नहीं कि सरकार है या नहीं, रहे या नहीं रहे, रही रहे या नहीं रहे, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो स्थाई लॉबी कौन सी हो गई? सचिव लिपिक, सहायक लिपिक, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। तो ये जो लॉबी है ये प्रधानमंत्री के रहम करम पे जीवित नहीं है, अगर ये नहीं हो तो वो क्या करेंगे अफसर बैठे बैठे, यही सारा उनको काम, नीचे काम करने वाले तो होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, तो ये कभी भंग नहीं होती, ये क्या है? स्थाई कहलाती। क्वेश्चन आया तो नॉर्मल को भी निकाल के दे सकता है, भाई स्थाई क्या है? तो स्थाई ये कहलाती है। समझ में आया मेरी बात? चलो ठीक है, यहां पर रुक गए। तो ये समझ में आ गई ना दोनों चीजें? योजना ऊपर उच्च स्थान पर कौन सा होता है? कैबिनेट मंत्री, जो सारे नियम बनाता है ये सब तो फॉलो करने के लिए दिए जाते हैं। अब हमेशा एक क्वेश्चन, जब हम छोटे थे मैं घूमता था फिरता रहता था, अब आ रही अर्चना की बच्ची, गुड आफ्टरनून कर रही है, कब क्लास चल रही है, क्लास छोड़ती हो तुम। अब एक मन में क्वेश्चन करता है छोटा, तुमसे बात करना चाहूंगा। मंत्री कोई भी बन सकता है, कई मूवीज भी आई, गुंडों को भी मंत्री बना दिया, पैसा भर दिया, देखा होगा। मैं तो साउथ मूवी देखता हूँ भाई, मैं हॉलीवुड, मुझे बॉलीवुड में मजा नहीं आता, हॉलीवुड समझ में, सही में समझ में नहीं आती सर, मतलब एना वॉल, ये गुड़िया कहाँ से आई एना वॉल की, ये कहाँ मिली, ये कहाँ मर गई, एक एवेंजर थी ये, इस पे ये हथियार कहाँ से, पता मेरी पिक्चर इसी में निकल जाती है, आया ये उड़ कैसे सकता है, इसका क्या रोल है, गलती से मैं ले गए पिक्चर, मैंने नहीं देखी, मैं सारी पूछता रहा, भाई ये कौन है, ये चींटी कहां से बन गई, ये कहां, 3 घंटे समझ में, मेरे समझ में नहीं आते, क्योंकि मैंने बचपन में अंग्रेजी अच्छी थी नहीं, जब लोग वो देखते थे हम हिंदी में देखते थे, वो समझ आती थी, हम क्या देखते, साउथ इंडियन मूवी, शुरू होती है खत्म उस समय होती है, अच्छे समझ में आती है, लड़ाई होती है, मारधाड़ होती है, शुरू में शुरू होती है, और सब समझ में आता है। कल भी मैंने एक मूवी निकाली थी, पुलिस वाला गुंडा 2 पार्ट 2 आ रही थी, कल आ रही थी, बहुत अच्छी मूवी थी, मैंने 11 तक मस्त फ्रेश होके मूवी देखी, कल मंत्री आना है, फ्रेश होना जरूरी है दिमाग को, आराम से मैंने 11 बजे मूवी देखी, फिर 3 बजे तक पढ़ाई करी, फिर मैं सोया आराम से, उठ के आ गए कुल्ला करके, ये चीज तो उसमें देखा नहीं, कोई भी व्यक्ति होता है जो आया था वो मंत्री बन जाता है, उसका बाप कहता है वो मंत्री खरीद देते वोट और मंत्री बन जाते हैं, मतलब बहुत सारा ऐसी सच बात है, मूवी में झूठ नहीं दिखाते कि अगर आपके पास पैसा है और आपकी पहुंच अच्छी है तो प्रधानमंत्री तक पहुंच होनी चाहिए, छोटी मोटी पहुंच नहीं, बड़े दल, मतलब कोई लोग सुनने वाले हो तो आप भी मंत्री बन के बैठ सकते हो। कल भाई अड़ोस पड़ोसी में चुपचाप ऐसे रहते थे, खाना बनाते थे, एकदम लाल गाड़ी में बैठ गया, और तो ऐसा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, अगर पहुंच जाए मंत्री बन सकते हो, लेकिन उस मंत्री पद पर रहने के लिए, उस मंत्री पद पर रहने के लिए आपको उस दल की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी, या उस सदन की, दल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वो व्यक्ति उसी दल का, कि जैसे लालू प्रसाद यादव ने या किसी ने समर्थन दिया, ममता बनर्जी बन गई मंत्री बन के बैठी हैं, तो क्या है वो हस्ताक्षर, हम इस दल से ताल्लुक रखते हैं, समर्थित समर्थन, बिना समर्थन के, बिना ताल्लुक रखे हम मंत्री नहीं बना सकते, ये संविधान कहता है, उसे हमारे दल का सदस्य बनना ही पड़े, चाहे कुछ, जैसे लोकसभा सदस्यता होनी चाहिए, किसी सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, नहीं पड़ेगी लोकसभा के, ये तो नहीं कि मैं नहीं बैठूंगा जाके,
मुझे मन नहीं आता, बैठ स्पीकर चिल्लाता रहता है, पैसा चाहिए। मंत्री बनते सदन 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 एक क्वेश्चन सुन, मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, लेने इसकी सदस्य 6 महीने का समय दिया जाता है। मैं जब मिनिस्टर जब चुनाव में लड़ा सदस्य बना नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मैं चुनाव के तो हम जानते बनते हैं सांसद, है ना, विधायक अलग बनते हैं सांसद अलग बनते हैं। मैंने मंत्री बन के तो मेरे ऊपर 6 महीने का समय दिया जाएगा कि आप और किसी और दल का नहीं, कंडीशंस हैं उसी दल का सदस्य बनना पड़ेगा जिस दल में मुझे मंत्री बनाया गया है, ठीक है। अब बनाया गया तो भाई क्या उस व्यक्ति के लिए दोबारा से चुनाव कराने पड़ेंगे तो क्या करेंगे बताओ? सदस्यता तभी मिलती है ना जब चुनाव जीतोगे, ऐसे सदस्य बनोगे रातों रात में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा का सदस्य बन गया। अब ऐसा तो ना होता है, हलुआ है। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई? मैं क्वेश्चन क्या है, ये हमेशा क्वेश्चन अटकता है बच्चों का, इससे बारीकों में मैं जोर डाल रहा हूं। 6 माह सब जानते हैं, 6 माह के अंदर आपको मंत्री परिषद अगर बने हो, मंत्री बने हो, तो आपको उस सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। 6 माह का समय दिया जाता है, अगर आप 6 माह के अंदर अगर आप नहीं ले पाते सदस्यता, नहीं लेते हो, तो आपका पद रिक्त माना जाएगा 181वें दिन से। 680 दिन वो हो गया, 181वें दिन से आपका पद रिक्त माना जाएगा। तो मेरा विचार वही है कि भाई क्या दोबारा से चुनाव कराए जाएंगे तो कैसे बनेगा सदस्य, कैसे लेगा मोमबत्ती लगा के, ए वतन मैं बन गया, अरे कमल को खाली करके उसके मैं हट रहा हूं तू बैठ। अरे कैसे करेंगे, अरे वो तो 12 हो गया अनुच्छेद, मनुष्य क्या मतलब है? मैं मेरी बात समझ, बिना चुनाव के चुनाव तभी तो जाओगे लोकसभा में, ऐसी जो मैं लोकसभा मेंबर हूं, कैसे 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 दोबारा चुनाव भी नहीं हो सकते? कहीं सुना है इस क्षेत्र का कहां कर रहे, कोई इतिहास का वर्णन करते सदस्यता लेने के लिए चुनाव करा, भोपाल में वोटिंग हो रही है, ये मशीन आ गई, सुना तूने भोपाल में वोटिंग हो रही है, आचार संहिता लग गई 48 घंटे पहले, वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब ऐसा हुआ है भारतवर्ष में कहां का, क्योंकि और आ गए आए ना, हम वोट डाले फिर भी करनी पड़ेगी और उसको मंत्री देना, हम दोबारा वोट डालेंगे। कौन मनोनीत करेगा? क्वेश्चन जेन्युइन है, समझ में आ रहा है? तो किसी को उठा रहा है वो तो देखो, डिफिकल्ट नहीं है, हम आप लोगों ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए मुझे उसको उजागर करना जरूरी था। सीधी सी बात है, दोबारा चुनाव नहीं कराए जाते, दिया जाता है सदस्य बनाने के लिए, उसका नाम अनुच्छेद 75 के अनुसार फिर से उसका नाम राष्ट्रपति पे भेजा जाता है, राष्ट्रपति उसे मनोनीत करके मोहर लगा के साइन दे देता है और उसे सदस्यता मिल जाती है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? वेरी गुड। दूसरे सवाल तो बदल भी तो गई थी, मंत्री पटल पे आ गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में आया नहीं आया कि वो अनुमोदित करके सदस्यता ग्रहण करवा सकता है अगर वो। बात आती है फिर से, नई नई चीजें निकल के सामने आती कि क्या बेटा कहां यार, स्मृति ईरानी बन गई, लालू प्रसाद यादव बन गए, ब्रावड़ी बन गई, क्या क्या शिक्षा है? नहीं नहीं यार, झाड़ू लगाए तुम्हारे दुश्मन, अब तुम आ गए सही दिशा में,
मेहनत करो, ठान लिया तो बनोगे, लेकिन बात यह कि दिखाते गंवार है, लेकिन कुछ योग्यता संविधान ने दी है, ठीक है ना। लेकिन बात है कि कहीं शिक्षा के अभाव में कोई व्यक्ति उस पद पे नहीं जा पाए, वो गलत भी, वो उसका अधिकार का हनन है। कई सर्कमटेंसेस रहते हैं कि उसकी शिक्षा छूट जाती है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसके राजनीतिक अधिकार उससे छीन लिए जाएंगे। ये भी संविधान का उल्लंघन है या नहीं है, दोष होगा नहीं होगा कि किसी की अगर शिक्षा छूट गई है और वो राजनीतिक रूप से सेवाएं नहीं दे सकता, गलत है। यस ऑर नो? क्योंकि तो ये चलेगा कि कोई अनपढ़ व्यक्ति बन जाए, बनी है ना, शिक्षा मंत्री बनी है, दसवीं फेल, बारहवीं फेल, शिक्षा मंत्री बनी, बन सकती है, क्योंकि उनकी नीचे बहुत बड़ी लॉबी है और ये अनपढ़ नहीं है, इसलिए स्थायी है। ये अनपढ़ नहीं, ये आईएएस लेवल के बंदे हैं, ये अनपढ़ नहीं है। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो बने हैं ना, बहुत बड़े राजद से आए हैं, कितनी पार्टियों के अनपढ़ लोग भी बने हैं, शिक्षा मंत्री पद पे गए हैं, हम नाम नहीं लेते लेकिन गए, बने तो हैं, बने हैं। मेरे पास समझ में आ रहा नहीं आ रहा, लेकिन अगर नहीं राजनीतिक पद छीन लेना शिक्षा के, तो ये गलत है, क्योंकि उनका अधिकार, राजनीतिक अधिकार जो नहीं है, वो उनके भारत की धरती में पैदा होते ही उनको मिल जाता है। अगर वो नागरिकता लेते ही उनको राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सारे अधिकार उन्हें प्राप्त होते, जो उनसे कोई भी नहीं छीन सकता, ये हमारा संविधान कहता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये क्लियर? हाँ बोलो। खाली कर छोड़ दिया ना, अब लड़े ही नहीं वो वहां के लोकसभा का, रिक्त कर दी, यहां से लड़े, हाँ छोड़, क्यों भैया क्यों नहीं छोड़ सकते, फिर दोबारा नहीं आ सकते, रिक्त करने के बाद दोबारा नहीं आ सकते, मुझे फिर बुला लो, छोड़ सकते, छोड़ा जा सकता। हाँ हुआ था, किस चीज का हुआ था? उपचुनाव। एक होता है चुनाव से पहले उपचुनाव करवाया जाता है, वो अलग चीज होती है, उपचुनाव करवाना, उससे हमें भविष्य पता लगता है कि पहले कौन प्रतिनिधि, किस प्रकार संपन्न कराया जा सकता। जम्मू कश्मीर में हुआ था ऐसा, तो वो जो बात कर रहा है रिक्त की मतलब है, अगर हमने स्थान छोड़, वो तो हमारी मर्जी है ना यार, अगर मैं स्थान छोड़ देता हूँ, मैं उसको चुनाव लड़ ही नहीं रहा, किसी और के लिए, अब तो कोई, अब तो वैसे नहीं जीत रहे वो। चलो एनीवे आगे आए, अब ध्यान रखो एक चीज और सुनो। अब कुछ मक्कार मंत्री, मक्कार होते हैं, यह नहीं कहता, ये तो अखबार कहता है, भ्रष्टाचार में लिप्त तो मक्कार ही है यार, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी, मक्कार है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा, मक्कार है। मैं एक व्यक्ति नहीं कह रहा, कुछ मक्कारी भी होते, ह्यूमन है, उंगलियां पांचों बराबर नहीं होती, अलग अलग होती नहीं होती हैं। तो कुछ मंत्री पहुंच जाते हैं, मंत्री बन जाते, सदस्य मंत्री बन जाते हैं बिना चुनाव लड़े या कुछ, तो उनको नहीं मालूम होता जनता के द्वारा क्या, मेरे बहुत एक अलग चीज बता रहा हूं, नॉर्मल चीज नहीं बता रहा, अलग चीज बता रहा हूं, उन्हें नहीं मालूम होता जनता का दुख दर्द क्या है। सदस्यता पता लग गई, अनुमोदित करा के उन्हें, मनोनीत करके उन्हें, प्रस्तावित करके बनाया, सदस्य बना दिया जाता है और पहुंच भी गए वहां पे, तो फिर इसकी क्या गारंटी है कि वो वहां पे अपनी सरकार का साथ कंधे से कंधा मिलाकर भी देंगे, हर चीज पर बहस करेंगे। एक और योग्यता आ गई, ये चीज अब I didn't bring any book। एक और आ गई योग्यता, प्रधानमंत्री किसी भी ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं बना सकता जो लोकसभा के स्पीकर का या वहां पे सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने में असमर्थ हो। बांध दिया प्रधानमंत्री को, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, उसकी सदस्यता छीन ली जाती है। वो तो अलग बात है कि बताए बिना है ना, 2 महीने 3 महीने गायब है, वो अलग है। अगर वो उत्तर का जवाब देने में असमर्थ है या प्रश्न बोलने में असमर्थ है, तो उसकी सदस्यता खतरे में पड़ जाती है लोकसभा अध्यक्ष के जरिए, समझ में आ रहा है। तो प्रधानमंत्री को बांधते किसी को भी नहीं, ये मेरा लड़का कोई बात नहीं, गूंगा है तो मंत्री बनाऊंगा, वादा किया था बुआ को, क्योंकि मेरे में हक है, बंद कर दू, इधर हो जाओगे तुम, तो ये कर सकिए, समझ में आया मेरी बात या नहीं आई। तो उसका उत्तर और जवाब देने वाला भी होना चाहिए, अगर वह आंसर जवाब नहीं दे पाएगा ना, तो वैसे वो नहीं होगा, सदस्य खतरे में पड़ जाएगी, और सदस्य खतरे पड़ी तो उसको कुटारा खात है, विपक्ष खा जाएगा, विपक्ष बैठा है ना एनाकोंडा जैसा मुंह फाड़े, कुछ गलती करो तुम्हें निकल जाए, तुम्हारी गलतियों को साथ तुम्हें निकल जाए, सरकार को खा जाए, अविश्वास प्रस्ताव पास करवा दें। चलो खैर, ये समझ में आया। अब मैं बात कर रहा था कि जैसे
ये मंत्रिमंडल के सदस्य बने और सदस्य के साथ हमारी बहस हुई और ऐसे लोग चुनके आ गए जो न जवाब देने में है न उगलने में न निकलने में आया ना। तो मैं बताना चाहूंगा ऐसा व्यक्ति नहीं चुना जा सकता और ऐसा व्यक्ति भी बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि अलग है। हमारे जो मंत्री होते हैं बहुत बार ऐसा हुआ है पूरी पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दूंगा बर्खास्त कर दिया गया। मैं इसको कल के दिन चर्चा करूंगा क्योंकि कोई भी टॉपिक उठाते हैं तो दो दिन लगते हैं ठीक है ना। तो कई बार ऐसा हुआ है मेरी मंत्री परिषद ने मेरे खिलाफ ही वोट डाल दिया। विचारक है ना, सहमति नहीं होती, लड़ाई होती ना आपस में लड़ते ही लड़ते। हम सहमत नहीं है ना, वो मुझसे सहमत है ना मैं उससे सहमत हूं, तो उसने मेरे खिलाफ ही मतलब जा। तो बताना चाहूंगा कि मंत्री परिषद मंत्रिमंडल में ऐसा होता हुआ है कि वो खिलाफ है लेकिन अब बंधा हुआ है प्रधानमंत्री से। सभी मंत्रियों को नहीं तो सरकार गिर जाती है, ध्यान से सुनो जो बताने जा रहा हूं। सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री को साथ चलना होता है, सभी मंत्रिमंडल को मंत्रिमंडल को मंत्रियों को मंत्री परिषद को प्रधानमंत्री के साथ चलना होता है। अगर वो उसके साथ नहीं चलेगा तो प्रधानमंत्री उसे बर्खास्त कर देगा। एक बार हुआ है, कल हम डिस्कस करेंगे कब हुआ कैसे हुआ, बर्खास्त कर सकता है। और दूसरी बात, जैसे ये हैं मेरे मंत्रिमंडल हैं, इधर के बच्चे स्टूडेंट्स मेरे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, वो नहीं है वो विपक्ष है, ये मेरे मंत्री सदस्य हैं ठीक है। टाला जा रहा है, अब ये मुंह बना बिरा रही है मुझे देख के, ये मुंह बिरा रही है मतलब मेरे से बात से विचारधारा इसकी नहीं मिलती, इनकी विचारधारा मेरे से नहीं मिलती। मैं एक अध्यादेश पास करने जा रहा हूं, विधेयक पास करने जा रहा हूं, अब ये मतलब मेरे से विचारधारा नहीं बनाते लेकिन मंत्री हैं, आया ना सड़े सच में क्यों सड़े मुंह बना रहे हो भाई, काल्पनिक बात है ये, काल्पनिक बात बता रहे हो तुम, ऐसे हो रहे हो ऐसे बैठ गई काल्पनिक बात न प्रधानमंत्री ना तो मंत्री काल्पनिक खो गई एक्सप्रेशन अंदर के चेहरे पे। सपोज ये मेरे विधेयक से ताल्लुक नहीं रखती ठीक है ये दोनों, अब क्या वो वोटिंग हुई विपक्ष तो वैसे ही सीट पे आना चाहेगा मैं मंत्री बनूं हम सत्ता में आए। इन लोगों ने क्या किया विधेयक जो विधेयक के अपोज मतलब नेगेटिव वोट दे दिया। तो बताना चाहूंगा कि अगर वो विधेयक पास नहीं होता तो इससे सबसे ज्यादा जो जलील होती है वो होती है सरकार। मेरे को समझ रहे हो, सरकार को कटघरे में खड़ा करते विधेयक पास नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या है अंदर ही अंदर आग लगी पड़ी है। दूसरी बात क्या निकल गया कि इनको विश्वास प्रस्ताव ही पास नहीं है अभी तक, फ्लोर टेस्ट कहते हैं इनके विधायक इनके सांसद इनके साथ नहीं है। दूसरा वो तो ठीक है चलो, अगर मेरे जो सरकार 2/3 मेजोरिटी के साथ बनाई है मैंने वहां पे और इन्होंने दे दिया और अगर बजट पास नहीं हुआ उसी समय लोकसभा भंग हो जाती है, ध्यान रखना इस्तीफा देना पड़ जाता है अगर कोई विधेयक पास नहीं हो सकता, क्लियर हो रहा है। और अगर मैं गया तो ये नहीं है कि ये मंत्री बने रहेंगे, मेरे साथ ही पूरी की मंत्री परिषद मंडल व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, नए लोकसभा बनेंगे उनके हिसाब से फिर से नया मंत्रिमंडल गठन होगा। ये नहीं इसे हटाओ मैं तो गलत डालूंगी ये हट जाएगा सरकार गिर जाएगी लेकिन मैं तो बनी रहूंगी मंत्री, मुझे तो गाड़ी मिली रहेगी, तुम्हें उठा के बाहर फेंक दिया जाएगा। इसलिए कहा है प्रधानमंत्री के साथ साथ एक ऐसा जहाज पूरी मंत्री परिषद भी समुद्र में गोते संग संग लगाती है और संग संग डूबती है, संग संग तैरते हैं और संग संग डूबते हैं। यह है हमारी मंत्री परिषद का बारे में, ऐसा नहीं है इसलिए कोई भी जोड़ तोड़ हर मंत्री का दायित्व बन जाता है पूरे मेंबर का जो जीत के गए हैं जोड़ तोड़ लगा के वही वोट दो सकारात्मक दो, समझ में आ रहा है, नहीं तो गिर जाएगी। हाँ ये मेरे खिलाफ जा सकते हैं मेरे को छोड़ दें मेरी पार्टी को छोड़ दें तब जाके इनको बोलने का अधिकार होता, नहीं तो नहीं कर सकते, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। और ध्यान रखना एक गलत प्रश्न एक गलत नीति उस मंत्री की नहीं होती है वो समूचे सरकार की काउंट होती है, मैंने बोला ना एक साथ तैरते हैं एक साथ डूबते हैं। तो एक जो गलत क्वेश्चन है तो इसका लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक मंत्री मूर्ख है तो पूरी सरकार मूर्ख है, ये भी कहना गलत होगा। कई बार
लोकसभा में आपने सुना होगा कई बार मूर्खता के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, प्रश्न पूछे, तो मतलब ये नहीं कि पूरी सरकार मूर्ख है, लेकिन एक का मतलब जिल्लत संपूर्ण सरकार को कहीं ना कहीं इस मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद को झेलनी तो पड़ती ही पड़ती है। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? नोट कर लो थोड़ा सा, नहीं तो बहुत फिर